नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपना एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपना भी ठीक है। आज तारीख की बात करो, 31 तारीख को होगी है, 31 अगस्त 2024, और टाइम है सुबह के 8:45। हम लगे हैं ड्यूटी निकलने। हाँ भी कह जे रहे पिछले 4-5 दिन चल वही रिटर्न चल रहे कर दे, चलता रहा है। चलो जी लेते हैं खाना, करते हैं मम्मी को गुड बाय, क्योंकि होता है यार, क्योंकि फैमिली के अंदर ना जब किसी एक के साथ कोई दिक्कत होती है तो सारा सर्कल चलता है। वैसे एक खुश है तो सभी खुश हो जाएंगे, अगर एक अपसेट है तो सभी अपसेट हो जाते हैं, सभी डाउन हो जाते हैं। अभी आज भी बुखार हो रखा है यार, लेकिन काम तो करना है भाई। दवाई दवाई लेके शरीर कर लिया है चलने के लिए तैयार। अब चलते हैं हमारे गाड़ी पे, जाके देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है कैसा नहीं। आज पहुँच गए गाड़ी के पास, गाड़ी कर दिया स्टार्ट, ले ले गाड़ी टेम्परेचर, उसके बाद चलते हैं लेके अपनी रानी सुंदरा को। उम्मीद अब नहीं भाई, दिक्कत है देखिए, और वॉशिंग करवाने की भी हो रही है यार, वॉशिंग वो भी टाइम काफ़ी हो गया, बारिश के कारण नहीं करवा रहा था, क्योंकि हो जाता है यार आज बग, और मेरे साथ हर बार ऐसे ही होता है। और अगर इसका एग्जांपल देखना है दिखा भी दूंगा आपको, आज गाड़ी धुलवाऊंगा और 2 घंटे बाद बारिश आ जाएगी, और जबकि मौसम देख लो कैसा है। खैर आज तो नहीं करवाऊंगा वॉशिंग, क्योंकि पूरा वीक अब मार्केट में ही निकल गया यार आपके सामने, काम करेंगे आज जितना का हो सकता है, शरीर साथ दे दे, फिर तो 10-12 घंटे पेल देंगे आज। आज चलते हैं अभी। लो जी ये इंडिया गेट मिल गया आज अपने को खुला, करते हैं शिवजी महाराज के दर्शन और चलते हैं भाई। लो और लग गया पीछे देख लो, टाइम पे ही निकल आया आज, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। जय जयकार शिव महाराज, ओम नमः शिव। आ जाए चलते हैं, आप करते हैं ड्यूटी। टाइम 9:07 हो गए जी, और जो परसों ट्रिप लगाया था हमने अपना, लास्ट रात को देखा भी होगा आपने 29 तारीख को जो पंचकुला छोड़ गया था, उसका स्टेट टैक्स रहता था अपना, अभी ऊपर कॉल को केयर को कॉल करके हटा था उनसे, ले लिया है अपना स्टेट टैक्स परसों वाला। कल तो खैर हुआ ही कुछ नहीं, ठीक है कल का रह गया, आज देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी स्क्रीनशॉट आ रहा होगा जहां, अभी का टाइम देख लेना इसमें आप, अभी हाल फिलहाल ही लेके हटा हूं टैक्स, ठीक है। सेक्टर 6 पहुंच गए म्युनिसिपल हॉस्पिटल, कर दिया आज के दिन के पहली राइड भी कंप्लीट, टाइम हो गया 9:45, बस अब बाहर निकल रहा हूँ और चलते हैं आगे। आ गई राइड, ये ट्रिप भी इसलिए पिक कर लिया था भाई क्योंकि एक तो था सारा 5-7 किलोमीटर का था, 110-112 रुपए का ट्रिप था ये, चलो हरियाणा टू पंजाब अपना काउंट हो जाएगा, टैक्स लेते हो जाएंगे। बाकी पीछे राइडें आ रही हैं, अभी काम करता हूँ थोड़ा सा, एक दो राइड लगाता हूँ फिर मिलता हूँ। नंबर दूसरा, कई भाइयों के मन में ये भी डाउट होगा भी यार ये चंडीगढ़ जाता नहीं है, पता नहीं चलान के कारण नहीं जाता या कोई और चक्कर है ना। देखता हूँ अभी अगर कोई आती है ना चंडीगढ़ की राइड तो लेके चलते हैं, और फिर आपको वहां का सिनेरियो भी दिखाता हूँ आज भी, मैं क्यों चंडीगढ़ जाता नहीं इतनी आसानी से, क्यों नहीं मैं चंडीगढ़ की राइड पिक करता, ठीक है। तो कुछ और बोल देता अभी वो भी सच हो जाता, चंडीगढ़ की राइड मिल गई यूनिवर्सिटी की, चलते हैं आज सेक्टर 11 से, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ से पिक करना है और जाके यूनिवर्सिटी करेंगे ड्रॉप, फिर चलते हैं वहां पे, देखते हैं वहां कैसा माहौल रहता है कैसा नहीं। बाकी इधर सेक्टर 8-9 आ गए मेरे, 8-9-10 उसके बाद 11, चलते हैं वहां पे। और ये आ गया इधर दशहरा ग्राउंड पंचकुला का सेक्टर, ये देखो आ जाओ इधर स्लिप रोड पे ही रहते हैं उधर, वरना लाइटें होंगी बार बार लाइटों पे रुकना पड़ेगा स्लिप रोड पे, ये सीधे सीधे निकलते चले जाएंगे, लाइट चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। देखिए इस ताजते दे साइड बड़ी, चलो आ जाओ चलते हैं। बाकी व्यू अच्छा आ रहा है ना, और थोड़ा सा यार ये अब आज डाउन महसूस होगी आपको, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए लगा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यही चीजें मोटिवेट करती हैं भाई, हमेशा कुछ ना कुछ जब तक यार एक्स्ट्रा करोगे नहीं ना तब तक एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट करो तभी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज तो सेम चीजें ही है, सेम सेम करते रहोगे तो सेम रिजल्ट मिलते रहेंगे तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहा करो। हमारा पंजाबी में कहावत है एक, कहते काम निकड़ा मसही, ठीक है कुछ ना कुछ छेड़ रखो बेले ना बैठो। चलो आओ करता हूँ इनको पिक भाई, चलते हैं फिर। अब देखो मैं इधर स्लिप रोड पे हूँ, बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, देखो मेन लेन वो चल रही है मेरे साथ, उधर वो देखो जगह जगह लाइटें आएंगी, मेन रोड पे गाड़ी डाल दो जाके वहां खड़े रहो फिर लाइटों पे, उससे बढ़िया तो थोड़ा सा अगर दिमाग यूज कर ले हम, या पता हो ना जब अपने को एरिया का भी कौन सा एरिया कैसा है कैसा नहीं तो चल जाता है वो। देखो
अभी 64 सेकंड की लाइट है, 64 सेकंड की, लेकिन अपने को दिक्कत कोई नहीं, हम तो स्लिप रोड पे हैं, अपना चलते चले जाएंगे। टाइम हो गया 10:31 जी, यूनिवर्सिटी पहुंच गए, कर दिया आगे यहाँ पे भी ड्रॉप, और यूनिवर्सिटी में भी पूरा इलेक्शन वाला माहौल बना पड़ा है, यहाँ पे भी सख्ताई हो रखी है भाई पूरी यूनिवर्सिटी में भी ना। आई राइड आई, लेकिन ये राइडें अपने मतलब की होंगी नहीं, नया गांव इधर उधर, यहाँ तो मैं कोई मेरे को 1.5 लाख रुपए की राइड दे दे मैं तब ना जाऊँ ऐसी जगह। ये कुछ एरिए हैं जो मैं शुरू से ही नहीं जाता, हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब नया नया था भाई उस टाइम गया हूँ, लेकिन वो फर्स्ट और लास्ट था, उसके बाद ऐसे एरियो में जाता ही नहीं। चलते हैं आज, अब बाहर चलते हैं, निकलते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर और करते हैं भाई वेट, क्योंकि मुश्किल है यहाँ से, अब तो 11-12 बजे के बाद राइड रूट का लगेगा पता, क्योंकि उस टाइम पीजीआई से ही राइडें निकलेंगी, बाकी यूनिवर्सिटी से मुश्किल है क्योंकि इलेक्शनों का टाइम है यहाँ, तो खुद ही अब तो कैब वाले बने होते हैं ये सारी। आज चलते हैं बाहर, चलते हैं बाहर जाके रुकता हूँ, फिर करता हूँ आपसे बात। लगा ली गाड़ी साइड में, करते हैं आप यहीं वेट राइड का, और क्यों नहीं मैं यार चंडीगढ़ आता ना, यहाँ पीने का पानी तक नहीं मिलता भाई, ये भी सारा पैसे दे के लेके आना पड़ता है। ठीक है, ये है चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ पहुंच गया हूँ जी, कर दी आज के दिन की यहाँ तीसरी राइड भी ड्रॉप, अब करते हैं अगली राइड का वेट, और ऐसा कुछ माहौल है, इको सिटी में हूँ अभी, यहाँ पे मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, बाकी ठीक है हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है यार, हर रोज कहीं ना कहीं एक किसी न किसी के आसपास घूमते रहते हैं भाई। हेलो, बाकी अभी ये है तबीयत तो थोड़ी सी बेटर लग रही है, जैसे एकदम से टांगे टोंगे दर्द कर रही थी, शरीर सिर भारी भारी हो रहा था ना, उससे थोड़ी सी राहत है अभी। चलो हाँ देखते हैं अभी चौथी राइड का करते हैं वेट, उधर सीएनजी भी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट रहेगी, देखते हैं कोई राइड यहाँ से मिल जाए तो चलते हैं लेके सीएनजी पंप के आसपास जाके करवाते हैं रिफिल। बाकी ये आ गया होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल वाला रोड, ये सीधे ही जाके हॉस्पिटल पे चला जाएगा, ना भगवान करे यार किसी को जाना पड़े। लो जी न्यू चंडीगढ़ से निकल के वापसी पीजीआई पहुंच गया हूँ, पीजीआई कर दिया यहाँ का ड्रॉप, अगली राइड भी मिली हुई है यहाँ से, अब अपनी साइड की है, अब बात वही है, देखो टाइम हो गया ना, सेकंड हाफ का टाइम शुरू हो गया, इस टाइम में यहाँ से राइडें निकलनी शुरू होंगी। अपने पास ही है उधर ममता इंक्लेव घर के पास ही, वहां की राइड है, करता हूँ जाके इनको पिक लेके चलते हैं वहाँ, और फिर देता हूँ आपको आगे का अपडेट। पहुंच गया हूँ जी ममता इंक्लेव, कर दिया यहाँ पे ड्रॉप, टाइम 1:27, और रास्ते में आते हुए सीएनजी भी ले आया था डलवा के, सीएनजी का प्रेशर भी आज लो ही था, 312 रुपए की सीएनजी आई थी, ये देखो आधा का टैंक हुआ सारा। ठीक है चलो जितने का चल जाएगा इतने का मैं काम अपना, बाकी अभी दुविधा में हूँ यार, काम करूँ या घर निकल जाऊँ, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर घर है, राइडें आ भी रही हैं लेकिन वो फायदा नहीं है अभी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है यार, गर्मी का तो खैर कोई नहीं, गर्मी सर्दी तो चलता रहता है, ये जब शरीर साथ ना दे रहा हो ना, फिर थोड़ा सा संकोच कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी देखता हूँ चलो यार जैसे भी होता है, क्योंकि अब बात वही है अभी राइडें सिर्फ इसलिए आ रही है ये क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ है। ठीक है, ये 2 बजे तक राइडें आएंगी कंटिन्यू, 2 से लेकर 4 बजे तक फिर बिल्कुल ही स्टक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, तो इसलिए बात वही है, आधे घंटे बाद भी रुकना है, अभी भी रुकना है, क्यों फिर उसमें खुद के साथ भी धक्का करना है या गाड़ी के साथ भी। चलते हैं आज घर पे ही चलते हैं यार, जाके करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, फिर 4 बजे निकल आएंगे, और सैटरडे है आज, फिर शाम को देखते हैं नाइट में मारते हैं जोर आज। बड़ी कसूती निकली गाड़ियां भाई, वो देखो पीछे दूध वाली गाड़ी है वो ये बराबर में, चलो निकल गए हैं वहां से भी, आज वो घर ही चलते हैं यार, 4 बजे निकलेंगे, सैटरडे है रात को कर लेंगे 10-11 बजे तक काम, साथ में मौसम भी ठंडा हो जाएगा, और रात को वैसे भी क्योंकि कल संडे है, कल दिन में 11 बजे तक तो वैसे ही काम नहीं होगा, कल तो वैसे भी लेट ही निकलेंगे घर से, ठीक तो हो जाएगा मैनेज, अभी चलते हैं घर आ जाओ। टाइम हो गया जी 6:40, और खरड़ पहुंच गया हूँ आज,
के दिन की पहली राइड कर दी है कम्प्लीट। अभी खड़ा हूँ यहाँ नीचे, ये सामने जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वह यहाँ करते हैं वेट, देखते हैं कोई अपनी साइड की राइड अगर मिल जाए। वैसे उम्मीद है नहीं भी सीधी राइड मिले, यहाँ से टुकड़ों में जाना पड़ेगा उस साइड को। सुबह से आज मैं उन एरिया में घूम रहा हूँ जिनमें आपने जर्नली मेरे को देखा नहीं होगा। मैं मोस्टली वहीं पर काम करता हूँ, इस साइड में आता नहीं, इस साइड आया इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस दिखा सकूं कि अगर मैं इतना ही काम उस एरिया में करता हूँ तो अर्निंग मेरी कितनी हो जाती है, अगर मैं इन एरियाज में आके काम करूं उतने टाइम तो अर्निंग मेरी कितनी होती है। ठीक है, सो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, अभी आगे दिखाता हूं आपको। टाइम की बात करूं जी, 7:49 हो गए और पहुंच गया हूं रेलवे स्टेशन, कर दिया यहां पे भी ड्रॉप। अब चलते हैं सीधा सीएनजी स्टेशन, क्योंकि एक पॉइंट रह गया अपने पास सीएनजी का, इससे पहले ये बोले जाके सीएनजी रिफिल करवाते हैं, उसके बाद काम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज चलते हैं आईटी पार्क, किया है यहाँ सबसे नजदीक है जो सीएनजी पार्क, वहीं चलते हैं जाके सीएनजी करवा के रिफिल, देखते हैं फिर आगे। गुड मॉर्निंग है जी, सुबह के 9 बज गए, आज नेक्स्ट डे हो गया है और रात भी यार 10 बज गए भाई घर आते आते, और रात एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी, जितनी भी वीडियो शूट की थी उसमें आवाज किसी में नहीं रिकॉर्ड हुई, सिर्फ वीडियो रह गई थी यार, इसलिए आप ये सीधा नेक्स्ट डे वाला क्लिप देख रहे हो। अर्निंग की बात करूं, स्क्रीनशॉट आप अभी तक देख चुके होंगे भाई, और सीएनजी की बता देता हूं आपको, सीएनजी हमने 2 बार में डलवाई थी, एक 312 रुपए की और एक 300 रुपए की, ठीक है, टोटल 612 रुपए की अपनी सीएनजी लगी थी कल, जिसमें से बची भी पड़ी है अभी, पूरी नहीं लगी। ठीक है, तो अर्निंग आपने देख लिया और डिफरेंस भी आपने देख लिया होगा कि अगर मैं इधर ही काम करता हूं तो कितना का फर्क रहता है अर्निंग में, और उधर काम करता हूं तो कितना का फर्क रहता है अर्निंग में। ठीक है जी, होप उम्मीद करता हूं भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। होप मिलते हैं और किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो जी, राम राम।